नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। दो आरोपियों पर 3,000 का जुर्माना। दूसरे अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी नारायण देशपांडे ने मंगलवार को मारपीट व अन्य मामले के दो आरोपियों पर 1,500 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह के कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में शांतिनगर कॉलोनी निवासी कविता प्रशांत वाघमारे व रानी दुर्गावती नगर निवासी स्वप्नेर शंकरपुर काम है। फरियादी का नाम गजानन कुबड़े है। 6 मई 2016 को आरोपियों ने कुबड़े से मारपीट व अभद्र व्यवहार किया था। तो वही दूसरी ओर कैन के बूम ने ली नाबालिग की जान। नागपुर कैन के बूम की चपेट में आकर एक नाबालिग की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार को हिंगना में गुम गांव में हुआ। 17 वर्षीय लप्रीत सिंह सोमवार को पतंजलि पॉइंट के पास कैन पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक कैन का बूम गिरने से लप्रीत सिंह उसकी चपेट में आ गया। उसे अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। हिंगना पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वही तीसरी ओर इमारत से गिरकर युवक की मौत। इमारत से गिरकर मजदूर युवक की मौत हो गई। न्यू एयरखेड़ा निवासी 30 वर्षीय रिजवान अहमद सोमवार की दोपहर जूनीकाम टीमें यादव के मकान की पहली मंजिल पर काम कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गिर पड़ा। उसे निजी अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। नमस्कार।